बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते अजय देवगन की बादशाह रिलीज हुई है और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई भी कर रही है। टॉयलेट एक प्रेम कथा के बाद ये इस साल की दूसरी ऐसी फिल्म है जिसे लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट नजर आ रही है, तभी तो फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई भी कर रही है। जहां इस साल शाहरुख और सलमान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, वहीं अक्षय और अजय ने साबित कर दिखाया कि वो किसी खान से कम नहीं है। वैसे हमने आपको अपनी लास्ट स्टोरी में बताया था कि अजय की बादशाह हो अक्षय की टॉयलेट एक प्रेम कथा से पहले दिन कमाई के मामले में पिछड़ गई थी। वहीं चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या बादशाह अपने वीकेंड पर अक्षय की टॉयलेट एक प्रेम कथा को धूल चटा पाई है या नहीं। अरे जनाब, अक्षय की टॉयलेट एक प्रेम कथा ने 3 दिनों में 51 करोड़ 45 लाख की कमाई की थी। वहीं अजय की बादशाह ने 3 दिनों में सिर्फ 45 करोड़ 65 लाख का बिजनेस किया है। इसी के साथ अक्षय ने अजय को बॉक्स ऑफिस पर हार का स्वाद चखा दिया है। वेल, अब देखना तो दिलचस्प ये रहेगा कि अजय की ये फिल्म आने वाले दिनों में टॉयलेट एक प्रेम कथा को धूल चटा पाती है या नहीं। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।